वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं वंशिका तोमर ब्लॉग। तो गाइस जैसे कि आप सबको पता है मैं गांव आ रखी हूँ और आज हम जा रहे हैं क्या करने है मम्मी? भात देना। आज हम भात देने जा रहे हैं और हम जाएंगे अपनी गाड़ी से जो पापा ने बहुत अच्छे से तैयार कर दी है, धो दी है, उसको धो धा के सुबह से मांजन लग रहा है आज उसको, पता नहीं उसको बिल्कुल नहीं करके छोड़ेंगे क्या। तो आज हम जाएंगे अपनी गाड़ी से, तो सब तैयार हो रहे हैं। तो गाइस मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, हो चुकी नहीं हो रही हूँ, अभी मैंने सिर्फ कुर्ता डाला है और अब मैं सूट पहनने वाली हूँ। और मम्मी आप तैयार हो गई? अभी नहीं तैयार होगी, तो हम आपको दिखाएंगे, अब मिलते हैं आपसे तैयार होने के बाद। ओके गाइस, सूट का दुपट्टा है जो मैं आज वेयर करने वाली हूँ और मेरा प्लाजो कहाँ है? और ये है मेरा प्लाजो, मैं बहुत सिंपल सा सूट पहनने वाली हूँ गाइस आज, जिसका मैंने कुर्ता तो वेयर किया ही हुआ है, बस मुझे प्लाजो डालना है। ओके रेडी हो चुकी हूँ आने के लिए और मम्मी भी रेडी हो चुकी, ढोलक वोलक सामान रख रही है और हमारी गाड़ी तैयार हो चुकी है जो पापा ने सुबह से मांझी है, आज मांझ मूंझ के तैयार कर दिया। ड्राइवर जी भी तैयार हो चुके हैं और दादाजी को आराम से चढ़ाइयो, और दादाजी गाड़ी पे चढ़ चुके हैं, अब दादाजी प्रस्थान करेंगे गाड़ी के अंदर, मैं सबसे लास्ट में बैठूंगी। ये देखो गाइड्स, हमारी ये गाड़ी है आज, ये हमारी दादी अम्मा। माँ जी आप भी चलोगी? ना मैं ना जाती। अपना स्थान ले लिया है गाड़ी के अंदर और मम्मी अपना कार्यक्रम प्रारंभ कर चुकी है। इस औरत ने कभी ढोलक नहीं बजाई वैसे, और आज देखो कैसे बजाने लग रही है। हाय हाय, हम सब अपनी गाड़ी में बैठ गए, तुम आ क्यों नहीं रहे हो? हमारी गाड़ी तैयार है चलने के लिए, रेल छूट जाएगी फिर। गाड़ी चल रही है, गाड़ी छूट गई है स्टेशन से। तुम नहीं जा रहे? नहीं जा रहे? गाड़ी चल रही है हमारी, चुक चुक। उज्जवल उज्जवल, ये देखो इस औरत को ध्यान से देखो, कैसे चिल्ला रही है अपने बच्चे के ऊपर। बड़ी बदतमीजी है, तो छेदूंगी। सिक्योरिटी के लिए, ताकि हमारी गाड़ी पे अटैक ना हो जाए, इसलिए पहले गाड़ी से आई है फिर इस वाली गाड़ी में बैठ रही है। कहाँ गई हो? है को बैठाई अपने दो तो जान दे। देखिए कैसे है? हो आ रही। आ गई आ गई आ गई। गिर मत जाइए। घोरे को। ये बैठ। ये बैठ गई गाड़ी में स्पेशल वाली। ओपन कार है हमारी, हमारी गाड़ी से व्यू दिख रहा है। वाह पानी भरा हुआ है तालाब। अब आए हैं मेन हाईवे पे, मम्मी हरे ब्लॉक में आ रही है, देखो लाल क्लिप में आ रही है। गाइस बहुत बुरी हालत हो रही है, बाल सारे उड़ रहे हैं, पकड़ के बैठने पड़ रहे हैं। देखो गाइस कितना प्यारा। गाइस हम हल्दौर आ चुके हैं, हल्दौर से आगे उनका गांव पड़ता है, मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा ट्रैक्टर अपनी स्पीड पे फुल, सॉरी ट्रैक्टर गाड़ी बहुत साउंड कर रहा है, फुल वॉल्यूम। तो जैसे कि मैंने बताया था हम हल्दौर आ चुके हैं, अब हम जाएंगे फाटक पे। फाटक तो खुला हुआ है, हमने फाटक क्रॉस कर लिया है और अब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं किसी का। चेंज हो चुका है, आप दिखाते हैं आपको कितना प्यारा रास्ता है, पेड़ पेड़ की छाप नहीं हो रखी है थोड़ी तरह से। कितना ब्यूटीफुल रास्ता है, एक
गांव में रहने का मजा, सुख, द ग्रीनरी मिलती है, इतना अच्छा लगता है, मजा आता है, पॉजिटिव वाइब्स आती है, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। देखो इस लड़की को, ये अपनी फोटो खींच रही है आज टेढ़े मुंह बना बना के। ओहो लाइव आ रखी है मैडम, और सब अपनी अपनी बातों में लगे हुए, सब अपने अपने तरीके से सफर का मजा ले रहे हैं, कोई बातें कर रहा है, कोई चुगलियां कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पापा बेचारे ड्राइविंग कर रहे हैं, और यहाँ पर ये अपनी बातें कर रहे हैं और मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, से लगी हुई हूँ, सब अपना अपना काम कर रहे हैं ना गाइस। रोड क्रॉस कर रहे हैं, पापा ने फिर यहाँ पे रोक लिया, पता नहीं क्या कर रहे हैं, अच्छा रोड क्रॉस कर रहे हैं, सॉरी सॉरी गाइस, रोड क्रॉस हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे थाना है चौधरी चरण सिंह पुलिस चौकी। बड़े बड़े रंग गन्ने के ट्रक भर रखे हैं यहाँ पे, और ये गिरते नहीं होंगे। कार्यक्रम शुरू हो चुका है गीतों का, भातन अपने फुल रूप में आ चुकी है, एंट्री हो चुकी है, गांव का पहला मकान आ गया है और ढोलक का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, बीच में रुक गया था फिर से स्टार्ट हो रहा है दोबारा से। अरे गाओ गाओ, अरे गाओ गीत। देर बिठाया यहाँ पे और अब हम लेके जा रहे हैं नाश्ता कराने के लिए, विश्राम किया था अभी तक हमने, अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, खाना खाने के लिए चलो चलो, इनकी तो समझ ही नहीं आ रहा है क्रम है यहाँ पे इनके करके, इधर 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 सबने खा लिया है, हम रह गए बस। तो गाइस हम ब्रेक खा रही है, सैलेड रखी है, तैयार मैं खाना कह रही हूँ, नाश्ता तैयार है, मैंने सैलेड पहले ही ले लिया था, मम्मी तो खाने भी लग गई है, नीलू पूरा पकोड़े और चाय का मजा ले रही है चटनी के साथ, सबने खा लिया है, अब हम इंतजार कर रहे हैं मेन कार्यक्रम का। खाना पीना हो चुका है, खाना में मैंने कुछ खाया नहीं इसलिए मैंने दिखाया नहीं, सिर्फ एक पूरी खाई थी, एंड अब हम अपने मेन कार्यक्रम के लिए ऊपर आ चुके हैं, ऊपर इन द सेंस के जो घर है वहाँ पर आ चुके हैं, देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पर हम सब लोग खड़े हुए हैं, मेन कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे अपने जिसके लिए हम आए हैं, फ्रेंड्स यहाँ बैठ चुके हैं, और लेडीज डिपार्टमेंट इधर है, चौकी पे चढ़ेंगी, मम्मी का तो गए, चाचा जी का हो रहा है, अब हो रहा है मेन कार्यक्रम बात करने का, आग सामने नहीं आ रही, और ये चढ़ी मम्मी,
ये बुआ जी आरती कर रही है। ऐसे लिख के चढ़ना पड़े तो एक गोला मिले। मिल गया गोला, सम्मान आशीर्वाद। ये ताई जी सब बैठे हुए दादाजी। खाता चल रहा है। लाइन लगा खड़े हुए जाने के लिए बारी बारी से। तुझे फिर मिल गया नोट है? कितनी बार चढ़ेगा? रुपए में मैं एक गोला लेके आई हूँ, तिलक हो चुका है मेरा। अभी तो मैं बहुत बार जाऊंगी। पिताश्री की बारी आ चुकी है। 5-10 से पता नहीं। पापा का गोला ज्यादा महंगा है। गोला तो ले लो पापा। हाथ का एंड पापा करेंगे अब। दीदी देखो कैसी गड्डी पे गड्डी लग रही है। लास्ट हो रहा है अब ये। वंश तो पता नहीं कितनी बार गया आज। और मैं अभी रेडी हो चुका है के लिए। हिमांशु मतलब लड़का दूल्हा, तो तैयार हो जाएगा। हमें भी पता नहीं था कि हम लोग जाएंगे क्योंकि बहुत सारा काम था इस करके। मेरा मन नहीं था, मेरी तबीयत सी थोड़ी ख़राब थी, बट शायद से हम जा रहे हैं। अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है, तो देखते हैं अब जो भी आगे आगे होता है वो हम आपको दिखाते हैं। ओके गाइस, सब देख रहे हैं उसको। कितना शर्म आ रहा होगा बेचारा सबके सामने तैयार होता हुआ। और यहाँ देखो ही के पास बिल्कुल जस्ट बैंकट हॉल है। मम्मी तो कैसे पैक हो रखे हैं हम सब सर्दी की वजह से, भैया हमें डाडा लगता है। तो गाइस हम आ चुके हैं बैंकट हॉल में और हमने पॉपकॉर्न खाना शुरू कर दिया। शुरू क्या मतलब, लास्ट ही होने लग रहा है। ये देखो ताई तो बेचारी हमारी नीचे रख रख के खा रही है पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न में रिंग रही है, पॉपकॉर्न पे सब पॉपकॉर्न खा रहे हैं जैसे पहली बार खाने लग रहे हैं। अरे चाउमीन लाने को कहा तो देखो कितनी सारी लेके आए हैं। ये वेन्यू है। हाँ अब हम जा रहे हैं और ज्यादा खाना खाने। अभी हमने नाश्ता खाया, अब हम मेन खाना खाने जा रहे हैं। गौर से देखो इस औरत को, गौर से देखो। चार रसगुल्ले खाएगी नीलू? है नीलू तेरे लिए तो है। मैं मीठा खाती नहीं हूँ।
नीलू इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है नीलू? नीलू इसके अंदर क्या है? चार रसगुल्ले। कौन खाएगा? ये भी शॉक्ड है कि ये चार रसगुल्ले कैसे खाएगी अकेली। इसका प्रॉन देखो क्या रहता हुआ दोगे। पूरा वो क्या? अरे आपने इतने सारे सामान एक साथ डाल रखे हैं? तीन तीन सामान एक साथ, दाल, शाही पनीर, मटर पनीर, ये वाला पनीर है। मैं फिजिकल हैंडीक्राफ्ट हूं, एक बार डालूंगा। सही बात है। चले भाई नीलू, चोरी कर लिए तूने रसगुल्ले। इन दोनों ने सेम चीज चुराई, एक बार दिखाना जरा। चल चल रसगुल्ले। गाइस देखो कितनी भीड़ है खाने में, देखो। और मैंने लिया है पापड़। तो गाइस खाना हो चुका है हमारा और अब हम जा रहे हैं दुल्हन को देखने के लिए। देखो गाइस बधू पक्ष, इसमें बधू है। ये दुल्हन है। तो गाइस फाइनली मेरी नींद कंप्लीट हो चुकी है और मैं उठ चुकी हूँ सो के। मतलब इतना ज़्यादा हेडेक हो गया था मेरे को। मैंने बलात की बस छोटी सी क्लिप ली, मेरे को इतना सर दर्द हुआ, इतनी तबीयत ख़राब हुई कि मैं बस घर आ गई। मतलब मेरे को पापा घर लेके आ गए और फिर मैं आके सो गई। उसके बाद मेरे को कुछ नहीं होश रहा कि मेरे को ब्लॉग का एंड करना था या क्या करना था, मेरे को कुछ ध्यान नहीं रहा। फिर मैं अब उठी हूँ सुबह, और सुबह नहीं दोपहर में उठी हूँ, मतलब पूरी नींद करके मैं पेन किलर लेके सोई थी। तो आपको तो पता ही पेन किलर के बाद कितनी ज़्यादा नींद आती है। तो गाइस बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत स्ट्रेसफुल रहा, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो आज के ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं। काफ़ी कुछ है इस ब्लॉग के अंदर, देखा ही होगा आपने, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग भी है, कुछ कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, मैनेज कर लेना उसको आप लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इसमें कमेंट करके बताना कि अच्छी क्या चीज़ लगी, बुरी क्या चीज़ लगी। ठीक है गाइज, बुरी लगी उसको सुधार करूँगी और अच्छी लगी तो आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ढेर सारे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, और लाइक्स भी करना। ठीक है, बाय बाय गाइज, लव यू।